टाटा पंच टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली न्यू माइक्रो एसयूवी है और रिसेंटली कई सारे डीलर्स के पास ये कार आ भी चुकी है, जिससे इस कार के सारे इन्फो लीक हो चुकी है। टाटा पंच की एक्सपेक्टेड प्राइस 4.9 लाख से स्टार्ट होगी एंड इसका टॉप मॉडल 8 लाख के करीब होगा। अगर आप टाटा पंच का बेस मॉडल लेने का सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए ये कंपैरिजन किसी काम का नहीं है, बट अगर आप टाटा पंच का टॉप मॉडल लेने का सोच रहे हैं तो उतने में थोड़ा पैसा ऐड करके आपको टाटा नेक्सॉन भी मिल जाएगी। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको टाटा नेक्सॉन लेनी चाहिए या टाटा पंच, तो ये वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन की। तो टाटा पंच की लेंथ 3840 mm है, जो टाटा नेक्सॉन से 153 mm कम है। विड्थ में 1822 mm है, जो टाटा नेक्सॉन से 11 mm ज्यादा है। एंड हाइट में 1635 mm है, जो नेक्सॉन से 29 mm ज्यादा है। तो लेंथ के सिवा टाटा पंच सब डायमेंशन में ज्यादा है और इस कार में पीछे इजीली 3 लोग बैठ सकते हैं। बट हाँ, कम लेंथ के कारण आपको बूट स्पेस टाटा नेक्सॉन से कम मिलेगा एंड रियर में लेग स्पेस थोड़ा कम मिल सकता है। बट ओवरऑल टाटा पंच भी 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल ही रहेगी। अब बात करते हैं इंजन की। तो टाटा पंच में 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आएगा, जो 85 bhp का पावर एंड 113 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। बट नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है, जो 120 bhp का पावर एंड 170 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो पावर वाइज ऑब्वियसली नेक्सॉन बहुत ही आगे है। इनफैक्ट टाटा पंच में अल्ट्रोज वाला इंजन यूज किया है, जो इनिशियल गियर्स में ऑलरेडी वीक फील होता है अल्ट्रोज में। सो पंच का भी सेम ही एक्सपीरियंस रहने वाला है। सो अगर आपकी प्रायोरिटी पावर की है एंड अगर आप अपना थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो नेक्सॉन ही लें। अब बात करते हैं डिजाइन की। तो डिजाइन में दोनों कार्स अच्छी ही लगती हैं, बट रियर में मे भी ज्यादा लोगों को टाटा पंच ज्यादा बेटर लगेगी, बिकॉज नेक्सॉन का रियर लुक ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता। एंड रही बात एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में सेम फीचर्स मिल जाते हैं, बट नेक्सॉन में कुछ एक्स्ट्रा ऐसे फीचर्स है जो आपको टाटा पंच में नहीं मिलते, जैसे कि शार्क फिन एंटेना, सनरूफ। बट उस हिसाब से नेक्सॉन के प्राइस भी ज्यादा है, सो ये फीचर्स उतने जस्टिफाइड नहीं होते एंड ये भी मस्ट है वाले फीचर्स है भी नहीं। एंड रही बात इंटीरियर की, तो इंटीरियर में भी दोनों में सिमिलर फीचर्स मिलते हैं, जिसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 7-inch हर्मन इंफोटेनमेंट, ऑटो डिमिंग IRVM, ड्यूअल टोन इंटीरियर, कूल्ड ग्लो बॉक्स, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन एटसेट्रा इंक्लूडेड है। बट इंटीरियर में दोनों में मेजर डिफरेंस है, वो है MID का। टाटा पंच में आपको अल्ट्रोज में मिलने वाला सेमी डिजिटल MID मिलता है, जो ज्यादा बेटर एंड फीचर से भरा लगता है, जबकि नेक्सॉन में डिजिटल MID मिलता है, जो कि उतना अच्छा नहीं लगता कम्पेयर टू पंच एंड अल्ट्रोज। और एक फीचर है जो आपको पंच में मिलेगा बट नेक्सॉन में नहीं मिलता, वो है इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल में आपको इंजन ऑटो कट हो जाएगा एंड क्लच दबाने पे वापस स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज तो टाटा नेक्सॉन ने 5-star ग्लोबल NCAP स्कोर लाया ही है एंड टाटा पंच भी अल्ट्रोज वाले अल्फा प्लेटफॉर्म पे बेस्ट है, सो पंच भी 4 या 5 star लाएगी वो श्योर है। बट रही बात सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पर नेक्सॉन ज्यादा आगे आ जाती है, क्योंकि नेक्सॉन में आपको ABS, EBD, ESP, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं, बट टाटा पंच में अब तक ओनली ABS, EBD एंड ड्यूअल एयरबैग ही कंफर्म हुए हैं। तो अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। तो आपको दोनों में से कौन सी कार लेनी चाहिए? इन शॉर्ट, अगर आपका बजट 7 लाख से कम है, देन आंख बंद करके आप टाटा पंच ही ले लो, बिकॉज इस प्राइस में टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल भी नहीं आएगा। बट अगर आपका बजट 8 लाख से ज्यादा है, तब ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो अगर आपका ज्यादा रन सिटी का है एंड आप ज्यादा सामान कैरी करके लॉन्ग रोड पे कम ही जाते हो, तो आप मनी सेव करके टाटा पंच लें। इसका ये रीजन है कि सिटी में मोस्टली आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गियर पे चलाने वाले हो एंड आपको नेक्सॉन में टर्बोचार्ज्ड इंजन में सिटी में एवरेज नहीं मिलेगी। प्लस ट्रैफिक में या फिर गलियों में पंच इजीली निकल जाएगी बिकॉज ऑफ लेंथ। एंड टाटा नेक्सॉन में 2000 RPM के नीचे टर्बो लेग भी आता है, जिसके लिए वो सिटी के अंदर उतना अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड नहीं करते। सो अगर आपका मेजोरिटी रन सिटी का है, टाटा पंच इज बेटर एंड प्रैक्टिकल ऑप्शन। बट अगर आपका रन ज्यादा हाईवेज पे है एंड फिर आपको एक पावरफुल इंजन भी चाहिए जो हाई स्पीड पे क्रूज करने में एंजॉयमेंट दे, देन आप टाटा नेक्सॉन पे ही चाहिए। तो आप इन दोनों कार्स में से कौन सी कार लेना पसंद करेंगे? और अगर आप नेक्स्ट किसी और कार के कंपैरिजन देखना चाहते हो, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।